हुण पहुँच चुके हैं जी आप गुरद्वारा भंगाणी साहब जिथे दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जिहड़ा पहला युद्ध है वह लड़िया सी। गुरु साहब जी ने इत्थे पंक्ति नूं सच कर दिखाया, गुरप्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया ते सख्त हदायत लिख के दित्ती गई है। सत श्री अकाल जी, हाँ स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर तो तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पर। पौंटा साहब की धरती के आप दर्शन करते हुए हुण पहुँच चुके हैं जी आप गुरद्वारा भंगाणी साहब जिथे दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जिहड़ा पहला युद्ध है वह लड़िया सी। आप इस वीडियो के इतिहास की पावांगे सांझ ते नाले गुरद्वारा साहब दे करांगे दर्शन। देखते रहो वीडियो, जेकर चैनल नहीं किया सबसक्राइब तो चैनल में सबसक्राइब करो जी, वीडियो वध तो वध शेयर करो ताकि होरां तक वीडियो पहुँच सके, लाइक तो कमेंट करना ना भूलो। चलो आज आप गुरद्वारा साहब के करिए दर्शन। इधर इतिहास का संखेप इतिहास का जरा बोर्ड लगे होगा, इतिहास का जरा बोर्ड वो बिल्कुल सामने लगे होगा। तो उ जिस तरह आप पहले इतिहास जो गुरद्वारा तीरगढ़ी साहब विखे श्रवण किया जो गुरु गोबिंद सिंह जी तो इतने जेडे पहाड़ी राजे से उन्होंने हमला किया, जो जंग हो राजा भीम चंद उकसाहट नाल राजा फतेह शाह की अगवाई हेठ जो गढ़वाल का सी नगर गढ़वाल का राजा से बेगिणत, यानी कि पिछले आप पढ़ा सी 25,000 फौजा से घट्टो घट्ट तो बेगिणत फौजा नाल इन्हां राजा नाल युद्ध होया। तो अंत गुरु साहब जी ने जिहड़ा राजा सी उहनू तीर दे नाल इक्को तीर दे नाल इक्को वार दे विच टह टेरी कर दिता सी। तो गुरु साहब जी की यह पहली जंग सी, तो गुरु साहब जी ने यह पहली जंग फतेह की सी। तो लिखा है कि गुरु जी ने 5 किले लगवाए सन जिन्हां विच एक किला जामण दरख्त के रूप में अज भी मौजूद है। सो गुरद्वारा साहब के तुसीं दर्शन कर रहे हो जी। दर्शन किए जी हम तुम गुरद्वारा भंगाणी साहब जी के जिते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद साहब जी पातशाह ने अपना जोड़ा पहला युद्ध है वह लड़िया सी पहाड़ी राजे बाईधार के राजे नाल। तो यह जंग गुरु साहब जी ने फतेह हासिल की सी, इको तीर दे नाल पहाड़ी राजे टह ढेरी कर दिता सी। हुणे राजे ने 3 तीर चलाए सन गुरु साहब जी ते, 2 तीर तो खाली निकल गए सन क्योंकि जो फौजा उन्हें पहाड़ी राजे दौजा बखला गई सन सिंह के हमले तो बाद हारते देख उन्होंने दे बखलाहट सी। तो बाद उन्हें गुरु साहब जी तो 3 तीर चलाए सन जिस जगह के उपर गुरु साहब जी विराजमान सन। पहला तुसी दर्शन कर चुके हो जी गुरद्वारा तीरगढ़ी साहब के, वो स्थान जिथे गुरु साहब जी ने एक किला बनाया हुआ सी। तो गुरु साहब जी तो 3 तीर छड़े सन, 2 खाली निकल गए, एक गुरु साहब जी के जेड़े पेट में सुनते हुए निकले। तो इस बाद गुरु साहब जी ने राजे दे एक ही तीर मारिया, तो एको तीर दे विच उन्हूं ढह ढेरी कर दिता। इस जगह का इतिहास गुरु साहब जी ने अपनी पहली जंग लड़ी तो जित प्राप्त की। इधर दरबार साहब आ, दरबार साहब के आँदे सार जो आप बैक साइड पर आने तो इतने एक जामण का दरख्त है जो कि बहुत ही इतिहासिक दरख्त है। इतिहास का इधर एंटर होंदे ही बोर्ड लगे हुआ कि गुरु साहब जी का जिहड़ा घोड़ा सी वो इस जगह पर विश्राम करता सी। यह जामण का किला गुरु साहब जी के समय तो अज बूटे के रूप से मौजूद है। गुरु साहब जी ने इत्थे पंक्ति नूं सच कर दिखाया, गुरप्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया ते सख्त हदायत लिख के दी गई है कि कोई भी पत्ता या फिर टाणा तोड़ना बिल्कुल सख्त मना गा। ये वो पवित्र जामण का बूटा जो तुसीं दर्शन कर रहे हो जिहदे नाल गुरु साहब जी का घोड़ा बन्निया हुंदा सी ते आराम करदा हुंदा सी। इत्थे बहुत ही विशाल दरख्त आ, जामण का फल नाल पूरा भरिया होया, जामणा लगिया हुई ने। तो इधर साइड ते बाहण बिल्कुल नाल ही आंदा कि इहदे कद्दू कद्दू करी जा रहा, चौल ला रहे। इधर मैं पहले दस्सिया कि इधर चौलों की खेती होंदी है क्योंकि मौसम जिहड़ा अनुकूल आ, वह ज़्यादा
हिमाचल का जिहड़ा अपर एरिया हुंदा जिवें वड्डे वड्डे पहाड़ वह नहीं है, प्लेन एरिया है ये। हाँ क्यारे तो छोटे छोटे जे पाए हुए क्योंकि जमीन उच्ची नीवी जी हैगी है, वह पहाड़ा वाला एरिया नहीं, चारे पासों पहाड़ा नाल तां घिरिया होया जिवें वो देख रहे आपां नूं, चारे पासे पहाड़ आ गए, पहाड़ां दे विचाले जे ये एरिया गा ग्राउंड एरिया। जदों पिछे लंघ के भी आए हाँ उही फील्ड से जिदा आपां नूं किसी पिंड दे रोड ते मोटरसाइकिल चलाउंदे नूं जां लंघदे टप्पदे नूं हुंदी आ, पंजाब वांग ही घर बने होए आ, सेम माहौल ही आ। हाँ पिछे बिच दी थोड़ा जिहा जदों एंटर हुंदे आ उत्थे हिमाचल दी टच मिलदी आ, उपर जाके फिर हिमाचली टच मिलेगी आपां नूं जिवें हिमाचल दे घर हुंदे आ रहिण सहिण हुंदा। पर यह एरिया सानू पंजाब वांगू मिलू, हरे भरे बूटे ने, अंबां दे बूटे ज़्यादा ने इत्थे क्योंकि जिहड़ा मौसम आ वो अनुकूल है इन्हां लई। हाँ गुरद्वारा साहब दे आपां तुहानूं दर्शन करवाए जी। सो इस वीडियो दे विच आपां तुहानूं दर्शन करवाए ने जी गुरद्वारा भंगाणी साहब दे, जिथे दसम पातशाह ने अपना जिहड़ा पहला युद्ध है 17 18 साल की उम्र लिखी गई उदों लड़िया सी ते जित प्राप्त की सी पहाड़ी राजां नाल। युद्ध होया सी गुरु साहब जी ते 3 तीर चलाए सी राजे ने, 2 खाली निकले सी, 1 पेट नूं छूंदे हुए निकले सी ते गुरु साहब जी ने उहनूं पहले तीर दे विच इक तीर दे विच ही ढाई टेरी करदे हुए गुरद्वारा साहब दे दर्शन करवाया। चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्यो, वीडियो देखने लई धन्नवाद जी, सत श्री अकाल।